बेटा तुम्हारा बहुत ही सआदतमंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरे दिल की भी तो पूछिए, मुझे ये बेटी बहुत पसंद है। इनायत मियाँ, उनकी बीवी रिक्शा में बैठ के मुल्लानी बीवी के यहाँ गई रही। हाँ, गंडे ताबीज। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अब औरत बेचारी काफी तरक्की कर गई है। पहले मर्दों के जूते उतारती थी, अब औरतों के भी जूते उतारती। यहाँ की हवा भी मेरे बगैर पूछे किसी को दी तो तुम गुनहगार हो, क्योंकि इस हवेली में मैं सबसे बड़ा हूँ और यहाँ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं हाथी के अंडे लेने? आपका दिमाग तो सही है। नहीं बता रही है वो। मुझे दीजिए, अभी बताएगी। हेलो, अब हमें पढ़ा रही हो तुम? पूछना अपने लड़के वड़के से, कह रहा था हाथी के अंडे लेने गई है, इतने जल्दी कहाँ आएंगी? आप तो ये बताइए कि आप हाथी के अंडे वाला करते क्या है, नहीं तो आपकी हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। यकीन कीजिए, मैंने कभी किसी औरत के चेहरे पर ऐसी पाकिजगी की रोशनी नहीं देखी, फिर आवाज़ में ऐसी नरमी, लहजा ऐसा दिल खींच लेने वाला। जी चाह रहा था वो बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। ये किसका जिक्र कर रही हो भाई? मुल्लानी बीबी का। उस दिन दरबार था, भीड़ लगी थी हाजतमंद औरतों की, मैं तो मिल ही नहीं पाई। मुगलानी बता रही थी अब वो नमाज पर सजदे में चली जाएंगी और गिरिया करेंगी और किसी से मिल भी ना पाएंगी। आमना, खुदा को पशेमानी के आंसू बहुत पसंद है। शायद मैं गलत वक्त पर चली गई थी। आज दिन में जाऊंगी, कहूंगी अयूब के कारोबार से लगने की दुआ करें, मुलाजिमा के लिए भी किसी बेसहारा औरत की बात उनके कान में डाल दूंगी। अम्मी आपने कुछ सुना? अजमल भाई है ना, उनको समीना बाजी ने एक नया आइडिया दिया है, अब वो शायर बनाने की वर्कशॉप खोलने वाले हैं। चलो हटो। ये शुजात भाई का लड़का भी नए नए तमाशे करता रहता है। ये आजकल के लड़के दीनों ईमान से तो खाली थे ही, अपने लिए सही वक्त पर सही रास्ते का इंतखाब करने में भी पीछे रह गए। चलो जाओ, जल्दी से तरकारी काट लो। एक बात की तारीफ करूंगा, तुम्हारा बेटा है तो खुददार। कौन अय्यू? हाँ, कहने लगा बड़े चाचा जान से मदद मांगने का मतलब तो ये हुआ कि ना तो मैं अपने लिए सही रास्ता तलाश कर पाऊंगा और ना ही सही तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा। ये खुददारी नहीं, मुझे बेवकूफ़ी लगती है। ऐसे ही एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। मैं ही देखती हूँ ये खानदान वालों से कतराता रहता है। देखो, कतराना और बात है और खानदान को ही अपनी दुनिया समझ लेना और बात। आपके भाई शुजात जी बड़े फख्र से मुझे यही सुना रहे थे, हम तो खानदान में लड़की नहीं देंगे, बहू भी लाएंगे तो बाहर से। हाँ, जिसे देखो बाहर भागने का रास्ता देख रहा है। मैं पूछती हूँ आखिर खानदान में दम क्यों घुट रहा है सबका? क्या चूहा चढ़ गया है यहाँ जो नाक पे रुमाल रखे जा रहे हैं? हर एक चाहता है कि ताजा और खुली हवा में सांस ले। हाँ, आया तो था बाहर से एक ताजी हवा का झोंका आपकी बेटी कौसर के लिए। मिडिल स्कूल में टीचर है, अमरूद के दो बाग हैं, कर दीजिए शादी, खूब अमरूद खाइएगा। तुम जो ख्वाब देख रही हो ना, मुझे आप लोगों की ताजा हवा का पता खूब है। आपके बड़े भाई वजाहत ने उस ताजी हवा के चक्कर में क्या क्या किया वो भी मैं सब जानती हूँ। आप सब भाई दूध में से मक्खी निकालने का काम बखूबी जानते हैं। अल्लाह खैर करे। अरे हुमैरा, एनी प्रॉब्लम? क्लास को जाना है। कार के लिए वेट कर रही हो? कार तो बिजनेस टूर पर है डैडी के साथ। ओह आई सी, मेरे बड़े चाचा जान यानी आपके वालिद जनाब वजाहत अली साहब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके लिए एक अदद कार नहीं खरीद सकते। वो आपका स्कूटर बेचारा पंचर पड़ा होगा हमेशा की तरह। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ? अब आपने ऑफर नहीं किया क्या? क्या? अच्छा 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 बाबा, सॉरी सॉरी, देखो मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, मुझे बहुत सारी जगह जाना है। अच्छा सुनो, पहले उधर का काम निपटाए देता हूँ जिधर तुम्हारी क्लासेस लगती हैं। बैठो। वैसे मुझे लिख देना बुरा तो नहीं लगता आपको? कतई नहीं, लेकिन कुछ खास अच्छा भी नहीं लगता है। अब बैठिए।
आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। बैठिए। आप जाइए, हम चले जाएंगे। अरे बैठिए, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी बाबा, बैठ जाओ। रहने दो बेटा, मैं बना लूंगा। बेटा तलत, कपड़े उधर बागीचे में डला दो, उधर धूप है। जी अम्मी, वहीं जा रही हूँ। आजकल आमना अपने जेठ के घर में घुसी रहती है। भाई ताहिरा, मैंने आमना को सुना तो दिया कि हम तो अपने बच्चों का रिश्ता बाहर से लाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने, समझती है यहाँ सब बेवकूफ है। अरे यहाँ सब पता है, आजकल वो अयूब के चक्कर में है हुमैरा के लिए, और जब हमने अजमल के लिए ख्याल जाहिर किया था तब कानों पर हाथ धरकर कैसे उछली थी, कह रही थी हम खानदान में लड़की नहीं देंगे, और अब क्यों चुप है कमरबाजी। अरे आजकल आमना के साथ चोचे मिलाती रहती हैं। अरे अयूब कौन से डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, बेरोजगार तो वो भी है। भाई ताहिरा, कभी कभी तुम बगैर सोचे ही आगे निकल जाती हो। क्यों, मैंने क्या किया? भाई वजाहत भाई की तीन औलादे हैं, नासिर, समीना और हुमैरा। ये बताओ क्या खानदान के अंदर और क्या बाहर किसकी शादियाँ हो गई। नासिर 30 से भी 21 साल ज्यादा ही होंगे, समीना भी 25 से कम नहीं है, सब बैठे हैं। हाँ तो जब बड़े बोल बोलेंगे तो यही होगा। बात बड़े या छोटे बोल की नहीं है ताहिरा, ये सब उस हालत में होता है जब जो हम जी रहे हैं वो कुछ और होता है, और जो जीना चाह रहे हैं वो कुछ और। तलबाजी कहाँ है? बागीचे में गई थी। क्यों, कहीं उसे बाहर ले जा रही हो क्या कौसर बेटी? जी लाइब्रेरी जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं खुद उन्हें देख लूंगी। देखा तुमने, जो तौर तरीके हमारे चारों तरफ जिए जा रहे हैं वो कुछ और है, और जिन तौर तरीकों पर ये बच्ची जलाई जा रही है वो कुछ और। तुम्हें पता है तलत कह रही थी कौसर को देखकर लड़कियां चुपके चुपके हंसती हैं। लेकिन इनायत कहते हैं कि जब तक कौसर बाप की निगरानी में है वो इसी तरह घर से बाहर निकलेगी। अरे तो हमारी तलत में क्या कमी है, क्या हमारे तौर तरीके में कीड़े पड़े हैं? मामला कमी या खराबी का नहीं है ताहिरा, मामला तो पहचान का है। इनायत उसे एक खास सज धज के साथ पहचानवाना चाहते हैं, ताकि भीड़ में भी अपनी बेटी को दूर से ही पहचान सके। बस अच्छा बस रहने दो, जान न जलाओ मेरी। और वो जो इस घराने में पैदा हुई है सबकी खाला, अरे वो टांग बराबर की छोकरी रिमझिम, जब उसके लौंडे लौंडियों के साथ नाचेगी चोली के पीछे क्या है कहकर, तब पूछना इनायत से कि तुम्हारी लौंडिया की पहचान क्या है। बात करते हैं पहचान की। अरे रोकिए 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 रोकिए, क्या हुआ? मुझे प्यास लगी है। तो तुम यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम्हारा कॉलेज आ गई है ना, मैं चलता हूँ, बाय बाय। मैं अकेली नहीं पीऊंगी। हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है फिजूल खर्ची के लिए, फिर मुझे एक पैसे मैं दे दूंगी। मैंने किसी को टाइम दिया है, टाइम समझती हैं आप? अब वो दिया होगा, 5 मिनट से कुछ नहीं बिगड़ेगा। आइए सुनिए, सुनो जरा, देखो 5 मिनट मतलब सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल, चलो आइए। दो चार रोज से आप जानते हैं क्या हो रहा है? क्या? मैं आप ही के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मेरे साथ? हाँ मगर अकेली, अपने ख्यालों में। ख्याल में? अच्छा ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं इस रात? वो तो क्या करोगी पूछकर? आप मेरे सगे चाचा के बेटे हैं, यानी मेरे सगे चाचा दाद भाई है ना, उम्र में मुझसे 4 या 5 साल बड़े होंगे बस। तो हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। ठीक है, ये जो बोतल आप इतनी जल्दी खाली कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर आपको अभी यहाँ 5 मिनट रुकना है। हाँ तो बोलो ना। आपको अपना दोस्त मानकर और इस मेज पर अकेली बैठकर बहुत सी बातें की हैं मैंने आपसे, दिन रात आप ही के बारे में सोच रही हूँ, घर पर भी।
ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। जी चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, क्या काम आ सकती हूं? मुझे लगता है, पता नहीं क्या लगता है। देखो मेरा, तुम जानती हो कि मेरे वालिद तालीम के महकमे में प्रोफेसर के ओहदे पर थे। उन्होंने 5 साल पहले ही रिटायरमेंट लिया है। अब मुझे ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। नौकरियां अव्वल तो मिलती नहीं हैं और जो मिलती हैं उनकी मेरे अंदर अहलियत नहीं है, इसलिए बिज़नेस करना चाहता हूं। और तुमको पता है कि आजकल बिज़नेस करना भी लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। मेरे ख्याल में 5 मिनट हो गए होंगे। मुश्किल से 1 मिनट हुआ है। हैरत है, आपको तो खुद अपने लिए भी वक्त नहीं है। मैं तो आप ही की बातें कर रही हूँ। मुझे जहाँ जाना है वो आदमी मुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाएगा जो पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोजेक्ट की कागजी खानापूरी के बारे में समझाएगा। फिर 2 बैंकों में जाना है। फाइनेंस के बगैर कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। एक बात कहूँ? क्या? जाने दीजिए, आप हंस देंगे। चलो अच्छा, इस बहाने हंस भी लेंगे। मैं तो अब हर वक्त पोल्ट्री फार्म के ख्यालों में रहूंगी। इसे तो मैं टीवी पर भी देख चुकी हूँ। अच्छा मैं अब चलूँ? मेरी एक बात मानेंगे? क्या? मेरे साथ पैसों की उधारी का लेन देन बना लीजिए चुपके चुपके। ये 200 रुपए हैं मेरी अपनी हुल्लक के, रख लीजिए। नो थैंक्स। अब उधार है, बिल्कुल से नहीं दे रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर वादा कीजिए, जब जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेंगे। सर मैं भी आपसे मांग लूंगी। अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं, उधार कहाँ से दूंगा? जब ना हो तो ना दीजिएगा, जब हो तब दे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे। प्रॉमिस? ओके बाबा। तो ये पैसे रख लीजिए। अरे अभी जरूरत नहीं है। क्या हम आज से एक दूसरे के ऐसे दोस्त हो गए हैं कि खुले दिल से अपनी बात कह सकें? ठीक है, मगर इसके लिए इस कदर हाथ घुमाकर नाक पकड़ने की क्या जरूरत है? घर पर बोल सकती हो। वहाँ आप हाथ ही कब आते हैं? चाची जान तो कहती हैं खाने पीने तक का तो होश नहीं है आपको। तो क्या घर में बैठा रहूं? अब देखिए पुराने अय्यूब भाई, क्योंकि अब आप हमारे दोस्त भी हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप मुझे अपनी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल दे रहे हैं। अच्छा क्यों? मैंने कहीं पढ़ा है या शायद मुझसे किसी ने कहा है कि इस तरह हम अकेले नहीं हो पाते। अब चलें? जी। इतना टाइम लगा दिया आपने, 5 मिनट का कहा था। तो तली में लगा। अच्छा प्लीज वो 100 रुपए का एक नोट तो देना। जी। जल्दी लौटा दूंगा आपको वापस। चलिए। बीवी, जोहरा महल वाली आमना बीवी आई हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे। और आपके मिजाज कैसे हैं? अरे भाई, हम फकीरों के मिजाज का क्या पूछना। हाँ, महल के मिलाद शरीफ में शिरकत न करने का भाई मुझको बड़ा कलक है, लेकिन क्या बताऊँ, उस रोज अर्कुन निसा के दर्द ने इतना बेहाल कर दिया कि न तो उठ सकती थी न बैठ सकती थी। जी मैं आई थी सलाम करने, लेकिन अफसोस आपसे मुलाकात न हो सकी। मुझ गुनाहगार से मिलकर किसी को क्या मिलेगा, बस नदामत के चंद आंसू। अरे भाई, एक 10-11 साल की बेसहारा लड़की है, उसको पनाह दे दोगी तो अल्लाह खुश होगा। कुछ काम धाम जानती है? कच्ची उम्र है, जिस रंग में ढालोगी ढल जाएगी। जान को पालना सवाब का काम है। जैसे आपकी मर्जी। अरे आओ, चलो अंदर चलो, आओ आ जाओ। या अल्लाह, आ बीबी बैठो। महल में तो सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दिल एक तरफ से बड़ा फिक्रमंद है। अरे बीबी, दुनियादारी एक ऐसा सिक्का है जिसके एक तरफ तो दुनिया है और दूसरी तरफ फिक्रें। बीबी, मेरा जवान बेटा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, आप खुदा से दुआ कीजिए कि उसको रोजगार मिल जाए।
उससे कहना कि नेकी से बड़ा कोई रोजगार नहीं। मगर नेकी से पेट नहीं भरता। दुनिया को अब ये कैसे समझाएं कि नेकी से पेट तो भर सकता है मगर ख्वाहिशात की दोजख नहीं। नियत अगर साबुत है तो अल्लाह बहुत कुछ देता है, वो बहुत बड़ा राजिक है। बीबी, मेरा जी चाह रहा है मैं आपको जर्दा पका के खिलाऊं। मेरा दिल रखने के लिए आप खा जरूर लीजिएगा। तुम कहती हो तो खा लूंगी, मगर एक वादा करो। अल्लाह जाने क्यों, मगर मेरा दिल कहता है। दिल क्या कह रहा है दीदी? जोहरा महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो अल्लाह को पसंद नहीं। जी? तुम वादा करो कि जो बात अल्लाह को पसंद नहीं उस पर तुम आंसू बहाओगी। या अल्लाह। किसी से बात नहीं करूंगी। नासिर भाई, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब आपको भी कुंवारा नहीं रहना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं, मगर मैं संजीदा हूँ। क्यों? मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे करियर की लड़ाई तो अभी शुरू हो रही है। नासिर भाई, आपको याद है ना, आज आपको हमारे यहाँ जूरी की हैसियत से आना है। ओह माय गॉड, ड्रामा कॉम्पिटिशन। अरे यार समीना, मैं तो भूल ही गया था। समीना बाजी, आज जब आप क्लास लेंगी ना तो सबकी नजरें आपके लिबास पर होंगी। शुक्रिया, आना है, भूलिएगा मत। हाँ हाँ। ऐसा नहीं लगता कि समीना की शादी पहले होना चाहिए? क्यों? इसलिए कि वो लड़की है? नहीं, इसलिए कि वो ऐसे समाज में रह रही है जहाँ लड़की की उम्र अगर ज्यादा बीत जाए तो समझा जाता है कि उसमें कोई ऐब है। आप भी कमाल कर रहे हैं नासिर भाई, ये सब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बातें हैं। फिर अपनी समीना बाजी तो कॉलेज में लेक्चरार हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए मुझे क्यों बुलाया है? भाई, सोचा तुम एक खूबसूरत सी लड़की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिप्लोमा वगैरह भी है तुम्हारे पास, क्यों ना तुमसे इश्क फरमाया जाए? अजी दीदी, इब्ने सफी है ना, उनके कर्नल फरीदी तो हो रहे हैं आप। आपकी किस्मत में इश्क विश्क कहाँ? बताइए ना नासिर भाई, मुझे किस लिए बुलाया है? सिमसिम, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। क्या? मेरे बाप का कारोबार क्या है? क्या है क्या मतलब? दुनिया जानती है कि वो स्टर्लिंग इंपैक्ट्स कंपनी के मालिक हैं। बड़े आदमी हैं मेरे बड़े मामू जान। मैं जब एमकॉम कर रहा था तो मेरा ये ख्याल था कि मेरा बाप मुझे तालीम इसलिए दिलवा रहा है कि वो अपने कारोबार को संभलवाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा दिल बार बार पूछता क्यों, आखिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? एक बात कहूं ना सर साहब? पहले मेरी बात सुनो, तुम मेरी फूफीजाद बहन हो, बचपन से देख रही हो मुझे। एक बात साफ साफ बताओ, क्या मैं तुमको हारा हुआ आदमी नजर आता हूँ? हारा हुआ तो नहीं कह सकते। मेरे बाप की निगाहें मुझे ऐसे ही देखती हैं शायद। आप क्या करना चाहते हैं ये तो सोचा होगा आपने। सुन, मैं अपने बाप की तरह दौलतमंद बनना चाहता हूँ, मगर जल्दी। प्रोफेसर वर्मा का ख्याल है कि आजकल सभी यही चाहते हैं, मगर वहां तक पहुंचने के रास्तों का पता कम ही लोग लगा पाते हैं। मैं लगाऊंगा। ये जो एडवर्टाइजिंग के काम में कदम रखा है मैंने, वो सिर्फ इसलिए कि बाजार के कल्चर के राज जान सकूं मैं, जिनकी आज हर चीज पर हुकूमत है। बेटी सिमसन। आदाब हो बीजा। आदाब, कैसे हो नासिर? बस ठीक है। बेटी, वो प्रोफेसर वर्मा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि तुम उनसे बात जरूर कर लो। ओके मम्मी। ओहो, लगता है नासिर किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। बस फूफी जान, यूं ही ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब तरक्की करो। अच्छा बेटा, फोन जरूर कर लेना। जी जी। नासिर भाई, देखिए कौशल क्या कह रही है। हाँ बोलो कौशल। नासिर भाई, एक बात कहूँ? कहूँ नासिर भाई,
हमें भी मॉडल बनाइए ना आपकी किसी एड में। क्या मॉडल बनाइए? चेहरा देखा है तुमने? वो जो तुम्हारे अब्बा है ना, हमारे छोटे चचा जान इनायत अली इस्लामियात पढ़ाते थे, मेरे सर पे एक बाल भी नहीं रहने देंगे। भाई अल्लाह, हमारे कोई भी नहीं सुनता, अभी जाके कहती हूँ अम्मी से। अरे 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 वो मेरा जी भाई जान, जा गीजू से कहे दो चाय बना दे। जी नासिर भाई, क्या आपको इस ताले में कोई दिलचस्पी नहीं? कैसा ताला? 5 नंबर कमरे का ताला, जिसके अंदर मेरा एक चहेता सब्जेक्ट बंद है। तुम भी कमाल करती हो सिमसी, उसमें एक बेमतलब और बेमानी वजूद के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन मैं भी उसी की तरह अकेली रह जाऊंगी। मैं उस कमरे को जीना चाहती हूँ। क्या है वहाँ? कोई खौफ या रोशनी?